जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री महावीराय नमः जय श्री परंपराचार गुरुवे नमः जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्मकल्याणकारी परोपकारी। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा ये विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया ग्रंथ है। इसकी सूत्रात्मक शैली है और भाषा संस्कृत है। 10 अध्याय जिसमें हैं 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग दूसरे अध्याय में 5 भावों का वर्णन पढ़ रहे थे। 5 भाव जीभ के भाव, स्वतत्व भाव, औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औदिक भाव और पारिणामिक भाव। हम सभी लोग सूत्र नंबर जो 5वां था छायोपशमिक भाव के, उसके अर्थ समझ रहे थे, जिसमें 15 भावों को समझ लिया था। ज्ञान के 4, अज्ञान के 3, दर्शन के 3 और लब्धि अर्थात दान लाभ भोगो भोग वीर, इन 5 का छायोपशमिक भाव क्या होता है उसके बारे में अच्छे से जाना था। अब हम सब लोग जो भव्य जीव को ही होता है, जिनका अर्धपुद्गल परावर्तन संसार शेष रह जाता है अथवा जिसको शीघ्रता से मुक्ति की प्राप्ति हो रही है और जो मुक्ति के इच्छुक हैं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, कर्म काटने के भाव परिणाम रखते हैं, ऐसे भव्य संसारी जीव उसी को ही इनकी प्राप्ति होती है और इसके माध्यम से वह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं और केवल ज्ञान आदि तक को आगे प्राप्त करके सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो आइए अब अपनी बात होनी है, जहाँ से हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने वाला है, धर्म में प्रकट होने वाला है। धर्म तो औपशमिक सम्यक दर्शन में ही प्रकट हो जाता है प्रथम अवस्था में और पुनः उसके बाद दूसरा नंबर कहलाता है छायोपशमिक सम्यक्त में, इसके बाद एक देश चारित और फिर सकल देश चारित छायोपशमिक में और फिर इसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम सब लोग इसी सूत्र को आगे पढ़ते हैं। छायोपशमिक सम्यक्त्व आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे होंगे और इसको अपन थोड़ा समझते हैं। महानुभाव, जो धर्म में पहला कदम है वो प्रथमोसम सम्यक्त्व है। अपन ने उसमें देखा था मिथ्यात् समय मिथ्यात् और सम्यक् प्रगति और 4 अनंतमंदी क्रोध मान माया लोभ के उपशम से जो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहा था। अब औपशमिक सम्यक्त वाला जो जीव है वही अपने सम्यक दर्शन को छायोपशमिक सम्यक्त कर सकता है और अत्यंत विशुद्धि ला करके उसमें छायोपशम में सम्यक प्रगति को उदय में ले आए। औपशमिक सम्यक्त वाला जो जीव है उसकी कर्म प्रगति 7 ही उपशम में है, लेकिन सम्यक प्रगति का उसका उदय आता है। सम्यक प्रगति के उदय में क्या होगी, थोड़ी सी जो औपशमिक सम्यक्त जो विशुद्धि थी उसमें विशुद्धि में थोड़ा गिरावट होगी, नियम से गिरावट होगी और चल मल अगाड़ नाम के दोष लगेंगे। थोड़ा सा चलायमान, थोड़ा सा मल दोष, थोड़ा सा अगाड़ दोष है अपने में ही धर्म में। ये मेरे भगवान, ये तुम्हारे भगवान, ये मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर, ये मेरी पुस्तक, तेरी पुस्तक, इस प्रकार से शांतिनाथ शांति के दाता हैं, पारसनाथ संकट हारी हैं, ये इस प्रकार का जो दोष है वो सच्ची श्रद्धा में भी दोष है। वो दोष से मुक्ति की राह में कोई बाधा नहीं है, लेकिन निर्मल सम्यक दर्शन नहीं है, अतिचार सहित सम्यक दर्शन है वो चलमल अगाढ़ दोष से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिसने पहले औपशमिक सम्यक्त प्राप्त किया है वही जीव ही छायोपशमिक सम्यक्त प्राप्त
करता है, तो वो अपने सम्यक दर्शन में सम्यक प्रगति को उदय में ले आता है और वो इस प्रकार से सम्यक प्राप्त कर लेता है। कौन जीव? अनादि मिथ्या दृष्टि वाला जीव, ठीक है ना। और जो सादी मिथ्या दृष्टि वाला जीव है वो डायरेक्ट ही छोक्षम सम्यक तो भी प्राप्त हो सकता है, कहीं कोई बाधा वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मिथ्यात सम्यक मिथ्यात और अनंता मंदी की चार, इस प्रकार से कितनी प्रगति हो गई? छः। दर्शन मोहिनी की दो और चारित्र मोहिनी की, अनंता मंदी की, क्रोध मान माया लोभ चार, इस प्रकार से ये छः प्रगति हुई। इन छः प्रगति क्या करना है, आगामी काल में, वर्तमान काल में उदयाभावी छः, वर्तमान में क्या करो, उनका उदय का अभाव कर दो। ये अपन निमित्त की ओर से समझ रहे हैं, कर्म की ओर से समझ रहे हैं, भाव तो अपने जैसे हो रहे हैं, हो ही रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान में उनका उदयाभावी छह हो जाना और आगामी काल में ये बिल्कुल बैठे रहें, उदय में ना आए जीव के, वरना वो फिर सम्यक छूट जाएगा, तो वो कहलाएगा सदवस्था रूप उपशम। और वर्तमान काल में सम्यक प्रगति का, वर्तमान काल में सम्यक प्रगति का उदय से जो जीव में श्रद्धा के भाव प्रकट होते हैं, तत्वार सिद्धांत के भाव प्रकट होते हैं, चल मल आदि दोष सहित तत्वार सिद्धांत का जो भाव प्रकट होता है उसे छायो सम्यक सम्यक तो कहते हैं, ठीक है ना। ये छायोसम सम्यक्त जो है बहुत काल तक, बहुत समय तक टिका रह सकता है, अधिक कम से कम अंतर मुहूर्त और अधिक से अधिक 66 सागर तक, एक भाव से दूसरे भाव देव में जाए, देव से मनुष्य बने, फिर देव बने, फिर मनुष्य बने, ऐसा टोटल 66 सागर तक कंटिन्यू ये सम्यक दर्शन बना रहता है। और ध्यान रखना, जिसको कंटिन्यू 66 सागर तक बना रहा उसको नियम से पुनः छायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 66 सागर तक रहे जरूरी नहीं है, हमारे पास अभी 600 सम्यक दर्शन हुआ, तीर्थंकर केवली आदि सामान्य सूत्र केवली आदि का पादमूल मिल जाए और हमारी विशुद्धि वहां पर बढ़ जाए तो हम वहां भी छायिक सम्यक को प्रकट कर सकते हैं। और छायिक सम्यक प्रकट हो गया तो तीन भाव ज्यादा से ज्यादा मुक्ति के हैं, वो उसमें मोक्ष हो ही जाता है। तो इस प्रकार से पंचम काल में दो ही सम्यक्त होते हैं, औपशमिक सम्यक्त और छायोक समिक सम्यक्त। तीसरा छायिक सम्यक्त क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी वर्तमान काल में कोई तीर्थंकर का, सामान्य केवली का, साक्षात अरहंत का या सुत केवली का पादमूल ना होने से उनके चरणों में बैठ के जो विशुद्धि प्रकट हो सकती है वो विशुद्धि प्रकट ना होने के कारण छाये सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन छोपन सम्यक की प्राप्ति तो आज भी अभी भी हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को देशना लब्धि मिल जाए, सद ज्ञान मिल जाए, छोसम विशुद्धि बढ़ जाए, साधु मिथ्या दृष्टि जिसने पहले कभी सम्यक प्राप्त किया हो और पुनः वो छोसम सम्यक को प्राप्त कर सकता है, अथवा औपशमिक सम्यक पूर्वक भी छयोपशमिक सम्यक को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर जो 16 नंबर का जो भेद था छयोपशम सम्यक, उसे अपन ने समझा। यहाँ पर थोड़ी सी कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। जो कषाय हैं, चार प्रकार की कषाय हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये चार कषाय हैं और इनके सबके चार चार और भी भेद हैं, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ। इसमें इनकी परिभाषा देखिए, इनके नीचे क्या क्या लिखा है, क्या क्या काम करते हैं ये। अनंत अनुबंधी कषाय का के कारण तत्वार सिद्धांत रूप सम्यक का घात करती है। क्या करती है, यदि अनंतानुबंधी कषाय का उदय चल रहा हो तो ये सही तत्व का निर्णय नहीं होने देती है, क्या सही है क्या गलत है इसका भेद ज्ञान नहीं होने देती है, इतनी तीव्र कषाय रहती है, कोई समझाए तो समझ में भी इसको नहीं आता है। ये अनंतानुबंधी कषाय हमारे सम्यक दर्शन का घात करती है, किसका घात करती है, सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा का घात करती है। दूसरा क्या है, अनंत संसार के साथ संबंध कराने वाली होती है। ये अनंत बंध जो कषाय है इसका नाम ये अनंत अनुबंध है,
अनुबंध मतलब संबंध, जो अनंत संसार के साथ अनुबंध कराए, संबंध कराए, ऐसा क्रोध, ऐसा मान, ऐसा माया, ऐसी लोभ, इतनी तीव्र कषाय जो है, ये कषाय संसार में भ्रमण कराने वाली, इतनी खतरनाक है। इसलिए इसका उपशम करना जरूरी है, इसका क्षयोपशम करना जरूरी है। उपशम हो जाए तो औपशमिक सम्यक दर्शन, और इसका क्षयोपशम हो जाए तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, और इसका क्षय हो जाए तो क्षायिक सम्यक दर्शन। इसके साथ मिथ्यात्व भी साथ में लगा लेना। फिर क्या दिया है? अप्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या करती है? ये सम्यक का घात तो नहीं करती है, ठीक है ना, अनंत संसार भी नहीं होने देती है, लेकिन देश चारित्र का घात करती है। किसका घात करती है? अप्रत्याख्यान कसाय के साथ सम्यक दर्शन रह सकता है, थोड़ा कसाय का जो तीव्रता है कम हो जाती है, और देश चारित्र मतलब जो प्रतिमाधारी हैं, जो प्रतिमा ले सकते हैं, श्रावक के व्रत ले सकते हैं, एलक छुल्लक छुल्लिका माताजी बन सकती हैं, ये अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में देश चारित्र का घात होता है। एक थोड़ा गलती हो गई है, देश घात चारित्र का घात होता है, अर्थात वो माताजी एलक छुल्लक आदि नहीं बन सकती हैं, ठीक है, व्रत नियम आदि नहीं ले सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन का घात नहीं होगा। और किंचित त्याग होने दे, नियम छोटे छोटे नियमों को भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, थोड़े थोड़े लेने दे, किंचित त्याग होने देगा, लेकिन जो व्रत हैं प्रतिमाधारी आदि हैं एलक छलक माता जी वो नहीं बनने देगा, इस बात का ध्यान रखना। प्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ जो कषाय है वो क्या करती है? सकल चारित्र का घात करती है, अर्थात ये मुनि नहीं होने देती है। एलक छलक तो बन जाओ, माताजी तो बन जाओ, प्रतिमाधारी तो बन जाओ, श्रावक उत्कृष्ट श्रावक बन जाओ, उत्तम श्रावक बन जाओ, लेकिन मुनि होने नहीं देती है। ये कौन सी कषाय? प्रत्याख्यानावरण कषाय होती है, पूर्ण त्याग ना होने देती है। जैसे अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ये महा महा जो व्रत हैं इनको प्रकट नहीं होने देती है। क्रोध मान माया लोभ कौन से वाले? प्रत्याख्यान वाले, ठीक है ना। और अंत में संजलन क्रोध मान माया लोभ है, इसके उदय में महाव्रत तो ले सकते हो, मुनि तो बन सकते हो, 28 मूल गुण धारण भी कर सकते हो, श्रेणी भी चढ़ सकते हो, लेकिन जो यथाख्यात चारित्र है, जहाँ समस्त कषायों का उपशम हो जाने से या समस्त कषायों का क्षय हो जाने से जो आत्मा की वीतरागता दशा प्रकट होती है, वो वीतरागता दशा इस कषाय के उदय रहने पर नहीं हो सकती है। अर्थात वो यथाख्यात जैसा आख्यात कहा है आत्मा का स्वरूप, वो प्रकट नहीं होने देता है। जो संयम के साथ 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 तो रहती है सुजलन कषाय, लेकिन पूर्ण जो संयम है उसे प्रकट नहीं होने देती है। ऐसा ये चार जो कषाय हैं ये अपना अपना रोल अदा करती हैं। फिर से अनंत अनुबंधी जो है उसके उदय में सम्यक तो नहीं हो सकता, अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में देश चारित्र नहीं हो सकता, प्रत्याख्यान कषाय के उदय में वह मुनि व्रत सकल व्रत प्रकट नहीं हो सकते, और सुजलन कषाय के उदय में यथाख्यात नाम का चारित्र प्रकट नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह जानकारी हुई। नमस्तु महाराज, नमस्तु। आपने जो चार प्रकार की कषाय बताई हैं उनका उदय काल कितने समय तक रहता है, कितने टाइम तक होता है? किसी भी कषाय का समय जो है जगन्य एक समय ही है, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक एक कषाय उदय में रह सकती है। इसके बाद कषाय चेंज नियम से होती है, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो। हाँ, यहाँ संस्कार की अपेक्षा देखें तो इसका लंबा लंबा पीरियड होता है, टाइम होता है। जैसे अनंतानुबंधी कषाय का उदय अनंत चलता रहे संस्कारवश, तो संस्कार काल उसका कितना रह सकता है? उसका नाम ही अनंत, अनंत काल तक अनंतानुबंधी का उदय चल सकता है, जिसमें हमारा मिथ्या साथ में रहेगा और संसार में अज्ञानता बनी रहेगी और हम दुखी रहेंगे, ठीक है ना। जो अप्रत्याख्यान वर्ण जो कषाय है उसका संस्कार काल जो है वो 6 महीने का है, वो 6 महीने तक चल सकती है। 6 महीने तक लगातार ऐसे भाव आ सकते हैं, मैं कोई व्रत न लूँ, मैं छुल्लक न बनूँ, मैं प्रतिमाधारी न बनूँ,
मैं मुनि न बनूं, इस प्रकार के उसके तीव्र प्रणाम होते हैं जिसके कारण व्रत आदि लेने के भाव आदि नहीं बनते हैं। तो क्रोध मान माया लोभ कसाय के यदि 6 महीने तक संस्कार काल चलते हैं तो वो अप्रत्याख्यान हैं, और 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो अनंतानबंदी का संस्कार काल चालू हो जाएगा। प्रत्याख्यानावरण कसाय, जो मुनि जो छुल्लक हैं, आरिका हैं, छुल्लिका हैं, माताजी हैं और प्रतिमाधारी हैं, वो 15 दिन से ज़्यादा क्रोध मान माया लोभ के संस्कार ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मान लो किसी से गुस्सा हो जाए या किसी मान लेके बैठ जाए या माया चरिंदर छुपा के बैठे हों तो 15 दिन से ज़्यादा संस्कार काल ज़्यादा नहीं चलते हैं। 15 दिन से ज़्यादा चल गए तो वो ऊपर से तो व्रती रहेंगे द्रवलिंगी, लेकिन भावलिंगी नहीं रह पाएंगे, वो नियम से अप्रत्याख्यान में पहुंच जाएंगे, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हो जाएंगे। और उसके भी ज़्यादा 6 महीने संस्कार चले गए तो वो पहले गुणस्थान वर्ती हो जाएंगे, अनंतानुरी कसाय वाले हो जाएंगे, वो पूर्णतः द्रवलिंगी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये होता है। मुनिराज जो हैं उनकी जो कषाय है वो जगन उत्कर्ष दोनों अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अंतर मुहूर्त, बस अंतर मुहूर्त के बाद वह नियम से कसाएँ चेंज हो जाती हैं, क्षमता भाव आ जाता है, वितराग परिणाम आ जाता है। तो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा क्रोध मान माया लोभ नहीं हो सकता। उनको क्रोध आ जाए, मान लो तीव्र क्रोध चले तो वो अंतर मुहूर्त तो चल सकता है, इसके बाद मान हो जाए, फिर माया हो जाए, चेंजिंग हो जाए कसाई की, लेकिन उससे ज़्यादा देर तक कषाय नहीं हो सकती। यदि होती है मुनिराज को, किसी को क्रोध लेके बैठ जाए या किसी के प्रति मान लेके बैठ जाए या मायाचारी अंदर चल रही हो और वो अंतर मोर से ज़्यादा गई, तो वो बाहर से मुनि होंगे पर अंदर से मुनि नहीं होंगे। बाहर से द्रवलिंगी होंगे पर अंदर से भावलिंगी वो नहीं होंगे। वो फिर क्या हो गए, प्रत्याख्यानावरण में चले गए, उनका गुणस्थान गिर गया, 5वां गुणस्थान हो गया, 6ठे 7ते से 5वे में आ गए। और 15 दिन से ज़्यादा चलता है मुनिराज का तो फिर क्या हो गया, वो 4थे गुणस्थान में आ गए, अवृति सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। और फिर उसकी ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा चलता है तो वो पहले गुणस्थान में पहुँच जाएंगे, अर्थात वो पूर्ण द्रवलिंगी मुनिराज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संस्कार काल जो है कषायों का इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से इसकी शास्त्रों में व्यवस्थाएँ हैं। हे गुरुदेव, मुझे ये जानना है कि संसारी लोगों में भी क्रोध माया लोभ है, और अगर किसी मुनिराज में भी क्रोध माया लोभ होते हैं तो दोनों कसाय में अंतर क्या है? एक संसारी आत्मा भी क्रोध मान माया लोभ करे जो ग्रस्त अवस्था में रचा पचा हुआ या मिथ्या दृष्टि है, और एक मुनिराज हैं उनके भी क्रोध मान माया लोभ है, दोनों में बहुत अंतर है। ग्रस्तों के जो है वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो सकता है, मुनिराज के जो सुंजलन कसाय है वो देशघाती है, उनका क्रोध मान माया लोभ किसी प्रकार का ज़्यादा घातक नहीं होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात, जो गृहस्थों के या मिथ्या दृष्टि के क्रोध मान माया लोभ है उनका संस्कार काल बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जैसे अनंत काल बताया मैंने और अवर समय दृष्टि के 6 महीने बताया, लेकिन मुनिराज के क्रोध मान माया लोभ में अंतर मुहूर्त है। कितना अंतर मुहूर्त, जैसे पानी में अपन उंगली डालो तो लाइन बनी और यहाँ से मिटती गई, क्रोध आया और गया, मान आया और गया, लोभ आया और गया, टिकता नहीं है, वो वितरागता में पहुँच जाते हैं। लेकिन जो संसारी है या मिथ्या दृष्टि है वो क्रोध मान माया लोभ करते हैं, तो जैसे वो चट्टान में दरार पड़ जाए तो ऐसा क्रोध करते हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, तुम्हारे यहाँ का पानी नहीं पियेंगे, तुम्हारी देहरी में आकर के पैर नहीं रखेंगे, हम तो मरना पसंद करेंगे, तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, ये कितनी तीव्र कषाय करते हैं लोग। ठीक है ना। और उसके संस्कार काल में बैर बांध लेते हैं और कितने भवों भवों तक बैर भी चलता रहता है। तो ये इनकी कषाय में कितना अंतर हुआ, बहुत अंतर हो गया। तो मुनिराज की कषाय में मंदता भी है, और वो कषाय जो करते हैं अंतर मुहूर्त आदि के लिए, वो कषाय भी अपने स्वाध्याय के लिए या धर्म प्रभावना के भाव लाने के लिए या शिष्यों को मात्र अनुशासन के लिए डांटने के लिए वो उनकी कषाय होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है मुनि के क्रोध मान माया लोभ में और श्रावक के, ये जो
ग्रस्त है, मिथ्या दृष्टि है उसके क्रोधमान माया लोभ में। मुनिराज अंतर मोह से ज्यादा तीव्र कषाय ज्यादा नहीं करते हैं और उन्हें फिर कषाय में मंदता ला करके शुद्धोपयोग में जाना होता है। तीव्र मंद कषाय में जाकर शुद्धोपयोग में जाकर के परम वितराग भाव का निश्चल चेतन भोग भोगते हैं और आगे जाकर के अपना शुभ ध्यान से शुद्धोपयोग ध्यान में भी चले जाते हैं। इसलिए उनकी कषाय जो है वो शुभ ध्यान वाली जो कषाय भी वो शुद्धोपयोग के लिए उनके लिए कारण बनती है। तो इस प्रकार आपने देखा अनंतमंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये चारों कषाय क्या क्या करती हैं। अनंतमंदी कषाय के उदय से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से देश चारित्र का घात होता है और प्रत्याख्यान कषाय के उदय से सकल चारित्र का घात होता है और संजलन कषाय के उदय से यथाख्यात चारित्र का घात होता है। ये आपको क्यों पढ़ाया है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड देखिए यहाँ पर बनी हुई है, छयोसमिक चारित्र किसे कहते हैं, जो अपना 17वां नंबर का जो भेद है छयोसमिक भाव में उसे समझने के लिए यहाँ पर ये वाली बात समझाई थी। अब देखिए हमको छयोसमिक चारित्र की परिभाषा बनाना है, फार्मूला पूरा वही है आपका, उदयाभावी छय सदवस्था उपशम उदय, क्योंकि छयोसम भाव में तीन कंडीशन है, छय उपशम और उदय, ये तीन बातें नियम से होंगी, इसलिए छयोसमिक भाव है। और इसलिए छयोसमिक भाव को कथनचित संसार मार्ग भी कहते हैं और मोक्ष मार्ग भी कहते हैं, लेकिन औसमिक भाव और छायिक भाव को नियम से मोक्ष मार्गी भाव कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें उदय भी है, छायिक में उदय नहीं है मिथ्यातादि का और न उनका उपशम है, न सदोस्तर उपशम है, न उदय है, समय प्रगति का उदय भी नहीं है छायिक में, और उपशम में सब दबा हुआ है, लेकिन छयोसम में तीन व्यवस्थाएं हैं, उनको उनकी जैसा है वैसे ही उसको उपशम करके रख दिया गया है, उनको उदय का अभाव कर दिया गया है और कम रूप जो प्रगति है कमजोर पार्टियां हैं उनको उदय में ला करके वो अपने को बनाए रखते हैं, तो वो ऐसा छयोसमिक भाव है, ठीक है। तो अपन छयोसमिक चारित्र की बात करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का उदयाभावी छय, ठीक है, कितनी कषाय का, अनंतबंदी आपने देखा सम्यक दर्शन में भी लिया और यहाँ भी लिया, तो दोनों में मतलब क्या है, अनंतानुबंधी दो मुखी है, जैसे सर्प होता है ना दो मुख वाले, दोनों तरफ चल देते हैं और काटते भी हैं, ऐसे अनंतानुबंधी सम्यक का भी घात करती है और चारित का भी घात करती है, इसलिए इसको चारित में भी लिया है, ठीक है। अनंतानुबंधी चार, अप्रत्याख्यान चार और संजलन चार, कितने हो गए 16, इन 16 कषायों का उदयाभावी छय, इन्हीं का आगामी काल में सदवस्था रूप उपशम से क्या प्रकट होता है, वितरागता, क्या प्रकट होती है, वितरागता, और जो संजलन कषाय है उस प्रगति के उदय से यथाख्यात चारित्र का घात होता है, जो परम वितराग चारित्र है उसका क्या होता है, घात होता है। इस प्रकार से यह छयोसमिक चारित्र बनता है, पंचम गुण स्थान में और छठम गुण स्थान में सप्तम गुण स्थान में ये छयोसमिक चारित्र होता है। पंचम गुण स्थान वाला जो भी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे 18वां नंबर भेद, ये वाला जो छयोसमिक चारित्र है ये छठम सप्तम गुण स्थान वाला है। अब देखिए संयमा संयम किसे कहते हैं, तो संयम संयम क्या लगाएंगे, ये पंचम गुण स्थान का है, देश व्रतियों का है, तो उसमें अनंतमंदी की चार, अप्रत्याख्यान की चार, इस प्रकार से आठ हो गई, इन आठ प्रगतियों का वर्तमान काल में उदयाभावी छय, इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम से जो एक देश वितरागता प्रकट होती है और प्रत्याख्यान सर्वघाती संजलन, देशघाती संजलन और प्रत्याख्यान सर्वघाती, इन प्रगति का क्या होना, उदय से क्या होता है, सकल चारित्र का घात होता है, वो मुनि बनने के परिणाम उसको नहीं होते, मुनि नहीं बन पाता है, तो उसे बोलते हैं संयमा संयम। ऐसा पंचम गुणस्थान व्रत में ये छयोसम चारित्र जो होता है, छायोसमिक संयमा संयम पंचम गुणस्थान व्रती जीव को होता है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। तो संयमा संयम क्यों, त्रस हिंसा का त्याग करने से वो संयम और स्थावर हिंसा का त्याग न करने से वो असंयम है, इस प्रकार उनका चारित्र संयमा संयम होता है और छायोसमिक संयमा संयम होता है। समझ में आ गया ना, आपने आठ कषाय का उदयाभावी छय किया, सदवस्तर उपशम किया, उसमें एक भी एक देश वितरागता प्रकट की और सर्वघाती प्रत्याख्यान और देशघाती सुजल कषाय का उदय से
जो सकल चारित्र का घात होता है उसे अपन छयोष्मिक संयमा संयम कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये पांचवा नंबर का जो सूत्र है छयोष्मिक भाव का पूरा सूत्र 18 भेद अच्छी तरह से समझ लिए हैं। आप इसको पढ़ना समझना, और यदि आपको कोई शंका समाधान हो तो पंडित जी का नंबर नीचे चलता है, आप उसमें क्वेश्चन आदि भी पूछ सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर श्याम लाल गोदावद उदयपुर राजस्थान, आपका प्रश्न आया हुआ है प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं। प्रशस्त उपशम चारित्र मोहिनी प्रगति का होता है जिसमें किसी भी कर्म का उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण स्त्रीकांड घात अनुभाग कांडक घात और ना ही पर प्रगति रूप संक्रमण नहीं पाया जाता है उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। और अप्रशस्त उपशम में यह होता है कि कर्म के उपशांत काल में कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण और पर प्रगति रूप संक्रमण हो सकता है, इसे अप्रशस्त उपशम कहते हैं। जहाँ अनंतन बंदी और दर्शन मोहिनी की तीन प्रगतियों का इस प्रकार से उपशांत काल में भी यह कार्य हो सकता है, ये अप्रशस्त उपशम कहलाता है। इस प्रकार से यह धवला में और जीव कांड में ऐसा ही बताया गया है। उषा जैन मार्सन्स आगरा, आपका प्रश्न आया हुआ है कि एक ही कर्म का छयोपशम और औदिक भाव क्या हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, एक ही कर्म का छयोपशम भाव भी पाया जा सकता है और औदिक भाव भी पाया जा सकता है। जैसे मति ज्ञानावरण कर्म का छयोपशम चल रहा हो और वहाँ पर अवधि मना पराज्ञान और केवल ज्ञानावरण का औदिक भाव चल रहा हो, तो इस प्रकार से एक ही कर्म का छयोपशम भाव भी पाया जा सकता है और औदिक भाव भी पाया जा सकता है। जैसे अंतराय कर्म में दानांतराय कर्म का छयोपशम चल रहा हो और कहीं उपभोग अंतराय कर्म का औदिक भाव भी चल रहा हो, तो इस प्रकार से एक ही कर्म में औदिक भाव और छयोपशम भाव पाया जा सकता है। लेकिन एक ही कर्म के छायिक भाव में कोई दूसरा और भाव छायिक का नहीं पाया जाता है। जैसे एक कर्म का छायिक भाव हो गया तो दूसरे और का उसका छयोपशम भाव नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान रखना। जैसे अंतराय कर्म का छायिक भाव हो चुका तो उसमें किसी और दूसरे कर्म का छयोपशमिक भाव नहीं पाया जाएगा, लेकिन छयोपशमिक भाव में व्यवस्था है कि एक कर्म में छयोपशमिक भाव है तो उसमें उसका औदिक भाव भी पाया जा सकता है, यह बात समझना। आपकी भी किसी प्रकार की कोई शंकाएं हो तो आप नीचे चल रहे पंडित जी के नंबर में अपनी शंकाएं भेजिए और आपको यहाँ पर उचित समाधान दिया जाएगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो, हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।